हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लुकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही है क्लास बेसिक मैथमेटिकल टूल की और आज हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव एंगल फॉर्मूले। ओके गाइस, तो देखिए कल की क्लास में हमने देखे थे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एलाइड एंगल। ओके, इसको हमने सिस्टमेटिकली आपको बताया था और आई होप अब आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, आप सारे एंगल्स बड़े आराम से निकाल पा रहे होंगे। ओके, ये टेबल आपको अब जो 90 तक आती थी अब आपको 180 तक ये टेबल बना लेनी चाहिए। मैंने सारे वैल्यूज़ आपको कल निकालने सिखा दिए थे। अगर आपको वैल्यू टेबल नहीं बनाने आती है तो मैं एक बार आपको ये टेबल बनाना यहाँ पे बता देता हूँ। 0 से लेके 90 तक की टेबल तो बनती है ना हर्षिका आपसे? ओके, तो यदि हमारे पास ये थीटा है इनकेस हमारे पास ये थीटा है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। मैं डिग्रीज में चल रहा हूँ बट आपको रेडियन का भी प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, इसके नीचे वही साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, फिर इसका कॉस का हो जाएगा सेक और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए बच्चों, ये आपको पता है कि साइन 0 0 होता है। हाँ ऋषि का बोलिए, साइन 30, साइन 45, ओके देन साइन 90 कितना? ओके, अब यहाँ से देखो टेबल आपको समझ में आनी शुरू होगी। यहाँ से 0 से मैंने 30 पे स्विच किया हूँ तो 90 प्लस 30 बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120। 30 से 15 ऐड हो गया है तो यहाँ भी 15 ऐड कर दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 135। यहाँ पर जाने के लिए हमने फिर से 15 ऐड किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 ऐड करने में? और 150 के बाद 30 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा इस टेबल को बनाने का, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। तो अभी आपने लिखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब 1 के बाद देखिए चार खाने इधर पे, 1 2 3 4, चार ब्लॉक्स हैं। तो आप पीछे लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड sin 180 0। आ गई समझ बात? ओके, कॉस थीटा की बात आपको पता ही थी, कॉस ये 1 से स्टार्ट होता है, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। इसको भी आप पीछे की तरफ से लिख दो, तो 0 तक तो पहुंच चुके हो, चार डिब्बे हैं, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे कितना? 1। अब देखो जी, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट लग गया बेटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहां से लेकर के यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट था? एग्जैक्टली बेटा, सो 0 से लेकर 90 तक अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 120 से लेकर के 180 तक यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट है। और आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना? तो यहां पे तो ऑल पॉजिटिव थे ही। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? प्लस। बट कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो बताओ ये +1/2 होगा कि -1/2? ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब 10 निकाल लेते हैं, 10 आपको पता है डिवाइड करके निकलता, साइन अपॉन कॉस 0.0, 0/1, 0 हो गया। ये हो जाएगा कितना? 1/√3, ये होता है 1, ये होता है कितना? √3 और 1/0 कितना हो गया? इन्फाइनाइट। बोलिए क्लियर? ओके, पीछे से लिखना शुरू करता हूँ, √3, 1, 1/√3 और ये 0। अब बताइए मेरे को, टेन थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो चलो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो निशान आएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव?
ये नेगेटिव, बिल्कुल सही, माइनस 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 माइनस। अब कर लेंगे आप इनको बाकी को कि पूरा कर कहूँ? ओके, बस रेसिप्रोकल करते जाना है और अकॉर्डिंगली दो साइन लगाना है जो कल मैंने आपको रूल बताया था। ओके, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हो जीरो से लेके पाई बाई टू, देन देयर इज ऑल पॉजिटिव। पाई बाई टू से लेकर के पाई में है बेटा अगर, तो आपके पास साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, कॉसेक का घर होता है। पाई बाई पाई से लेके थ्री पाई बाई टू आपका बेटा यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, एंड थ्री पाई बाई टू टू पाई बेटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव होगा, ए एस टी सी। ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कल बताया था। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है नेगेटिव एंगल फॉर्मूले। ओके, सो हेडिंग बना लीजिए, नेगेटिव एंगल फॉर्मूले। जी हाँ, देखिए नेगेटिव एंगल फॉर्मूले हम आपको कराएंगे। जैसे यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, अगर इसकी पोजीशन को मैं x मान लूँ और y, सो ये डिस्टेंस x काउंट होगी, ये डिस्टेंस y काउंट होगी, एंड दिस विल बी हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो आप लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज y, एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन, दिस एंगल इज कंसिडर्ड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इफ वी मेजर द सेम एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वॉट विल हैपन? नाउ इफ दिस इज थीटा, आई एम टेकिंग द सेम एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Now tell me Rishika, if the above one angle is theta, then the below one angle will be what? Minus theta. And according to the coordinate system, if this is y, then the here the coordinate will be x comma minus y. So ये जो आपका displacement है कितना होगा? Minus y, और ये तो x ही रहेगा। अब लिखता हूँ मैं sine of minus theta is equals to perpendicular equals to minus y अपॉन हाइपोटेनस रिमेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सुनो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, सो वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? साइन थीटा है। सो आई कैन राइट इट साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। बोलो ये सुनो। सो पहला फॉर्मूला नेगेटिव एंगल का बन गया कि अगर आप साइन को माइनस साइन खिलाएंगे तो माइनस साइन वो बाहर उगल देता है, माइनस साइन थीटा। डन, हाँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो, माइनस कोसेक थीटा। ओके, मैं आपसे पूछूं कॉस माइनस थीटा कितना होगा? बोलो, बोलिए। नो, कॉस माइनस कॉस थीटा नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, मतलब कॉस एंगल को, नेगेटिव एंगल को उसका माइनस साइन खा लेता है। ये देख लीजिए कैसे, ये मेरे पास कॉस का पॉजिटिव एंगल है और ये मेरे पास कॉस का नेगेटिव एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल प्लस थीटा, क्लॉकवाइज एंगल माइनस थीटा, एक्स y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x है, नीचे माइनस वाई है, बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव एंगल के लिए। नाउ कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, बोलो बेटा बेस कितना है? x है, हाइपोटेनस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस माइनस थीटा और कॉस प्लस थीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यस ऑर नो?
हाँ, क्योंकि इसमें बे परपेंडिकुलर इन्वॉल्व नहीं था, जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा वो उसको नीचे कर देगा, माइनस कर देगा, बट इसमें बेस था और बेस तो पॉजिटिव ही है तो कोई दिक्कत बनने वाली नहीं है। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा कितना होगा बेटा, सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा कितना होगा बेटा, माइनस कॉट थीटा, बिकॉज इसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, ये देखो वाई नीचे जाएगा तो माइनस वाई, एंड टेन माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, वेरी गुड। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव एंगल फॉर्मूले पूरे, यहाँ पर हमने अपने पूरे नेगेटिव एंगल फॉर्मूले कर लिए हैं, देख ले एक बार। ये लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये हो गई बात। चलिए ये अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, टेन माइनस थर्टी की वैल्यू, वैसे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, अब इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कर लिया आपने, हाँ चलो आंसर मैच कर लो बेटा अपना। साइन 270 की वैल्यू है माइनस वन, बोलिए सुनो, कॉस 120 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन बाई टू आई है, टेन 120 सॉरी साइन 120 की वैल्यू, वेल डन, एंड टेन माइनस थर्टी की वैल्यू, माइनस वन बाई टू, टेन माइनस थर्टी तो मैंने आपको आज पढ़ाया, तो आपने कल कैसे कर लिया अपने से, ओके चलिए ठीक है। सो 10 माइनस 30 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लगेगा 10 माइनस 30 में, जो अभी मैंने आपको बताया कि 10 ऑफ माइनस थीटा वाला, सो माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10 30, सो माइनस और क्या 10 30 कितना होता, 1 अपॉन रूट 3 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ओके, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, बेटा ये सब के सब आपको लर्न करने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, इनको लर्न करना ही होगा, इनको सबको लिख लीजिए और आपको याद करना है, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, याद करना पड़ेगा आपको इनको। ओके, अब कुछ फॉर्मूले इससे डिडक्ट होके आते हैं, इन फॉर्मूले से वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको पहले आप कॉपी में लिख लो, उससे ये फार्मूला निकल करके आएगा फिफ्थ नंबर का। तो पहले आप एक कॉपी में फार्मूला लिख लो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लिख लिया, ओके। तो चलते हैं इस फार्मूले की ओर, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और मुझे जो फार्मूला डिडक्ट करना है वो है साइन टू थीटा का। तो मैं साइन टू थीटा को क्या मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, मतलब ए के प्लेस पे भी थीटा खेल रहा है और बी के प्लेस पे भी थीटा खेल रहा है, सो आई कैन राइट हियर साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा। नाउ अप्लाई ऊपर वाले फॉर्मूले में ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, सो साइन थीटा कॉस थीटा अकर्स टू टाइम्स, यस और नो, सो इट विल बी आंसर टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो द फॉर्मूला फॉर साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर और नॉट, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन में आप डबल एंगल देते हो तो ये आपको सिंगल एंगल करके दे देता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप साइन को सिंगल एंगल दोगे तो ये हाफ एंगल कर देगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि डबल को सिंगल कर रहा है तो सिंगल को क्या कर देगा बेटा, हाफ कर देगा, समझ में आया, यस कंप्लीट।
चलिए अब देखते हैं कॉस का एक और फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नोट कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इससे हम बनाएंगे एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे हम, कॉस टू ए का, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला लिखता हूँ, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हमें बनाना है फॉर्मूला कॉस टू ए का, कॉस टू ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस ए, मतलब फर्स्ट एंगल ए होगा दूसरा भी ए होगा, सो मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, सो योर आंसर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों निकल करके आ चुका है, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, कॉस ऑफ टू ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डन, ओके। अब इससे हम छोटे छोटे फार्मूले और बना सकते हैं, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो इट विल बिकम वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, सो कॉस टू ए इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला बोलो, समझ में आया, ओके, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रखा मैंने, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन और प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इट विल गिव यू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन। सो हमारे पास तीन जबरदस्त फार्मूले कॉस टू ए के बनते हैं, एक वन कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस टू ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, डन, हाँ, तीनों फार्मूले नोट कर लीजिए, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस टू इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, यस, अब एक बात छोटी सी है बट यहां पे डिस्कस करूंगा कि कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बेटा इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, इसलिए बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला बिकॉज यहाँ पर कॉस का डबल एंगल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 2a पर आपको सिंगल एंगल a मिलता है तो अगर आप कॉस a को लिखेंगे तो बताओ राइट साइड क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ, कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, ये बनेगा इसका राइट साइड, एनी प्रॉब्लम, चलिए, सो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर ली है। अब इस पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने शीट देने हैं अभी उस पर आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा कैलकुलस, कैलकुलस में दो चीज़ें आएंगी बेटा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। सो व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, मैथ्स की ब्रांच है ये तो सबको पता होगा, ओके। कैलकुलस से क्या निकाला जाता है बेटा, कैलकुलस में मेनली दो टूल आपको डिस्कस करने हैं, हम कैलकुलस के दो टूल, टूल यानी कि औजार डिस्कस करेंगे, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन।
यस, तो जानेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के निशान क्या होते हैं, इनके ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे आप दो नंबर का सम करते हो, ए और बी का सम करते हो, तो इनके बीच में प्लस लगाते हो, तो प्लस क्या कहलाता है? प्लस कहलाता है एडिशन ऑपरेटर। मतलब ये एडिशन प्रोसेस को ऑपरेट करेगा। ऐसे डिफरेंशिएशन करने के लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा। वो कुछ क्या है? वो कुछ है डी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं बच्चे डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑपरेटर क्या है? इंटीग्रेशन ऑपरेटर है ये, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ऑपरेटर। अब सवाल है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सर ऑपरेटर तो बता दिए। जैसे यहां पे प्लस ऑपरेटर लगता था, किस पे लगता था? नंबर्स पे। किस पे लगता था? नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे। सर ये किस पे लगेगा? तो बेटा ये लगेगा फंक्शन पे। कौन है फंक्शन? एफ एक्स। एफ एक्स क्यों होगा? क्योंकि ऑपरेटर किसका है? एक्स वेरिएबल का है। तो फंक्शन भी किस वेरिएबल का होना चाहिए? एक्स का। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑपरेटर किस वेरिएबल का है? एक्स का है। तो फंक्शन भी किसका होना चाहिए? एक्स का। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज कॉल्ड एफ एक्स। फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एफ एक्स से। चलो इसको नोट कर लो शॉर्ट में बेटा। ठीक है? यस। तो ये हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर, एफ एक्स मैंने बता दिया। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स। यस, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जांपल देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। देखो फंक्शन किसका है? एक्स का। रूल क्या लग रहा है? साइन। रूल क्या लग रहा है? साइन। मतलब एक्स पर साइन का रूल लगेगा, एक्स पर साइन का रूल लगेगा। ओके, सो मैं फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल, ओके, विच corresponds input with an output। ठीक है, फंक्शन एक रूल होता है जो इनपुट के बदले आपको आउटपुट देता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एक चक्की होती है, उस चक्की में आप इनपुट में कुछ डालते हैं और आउटपुट में आपको मिलता है। इनपुट में आपने डाला व्हीट मतलब गेहूं, और आउटपुट में आपको मिलेगा आटा। ऐसे ही, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फंक्शन। चक्की एक फंक्शन है। ऐसे ही मैथ्स में कई फंक्शन होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पे आप x की वैल्यू डालते जाओ और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस। सो ये जो इस तरीके की रिलेशनशिप होती है, सच अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? फंक्शन का। okay, बहुत सारे फंक्शन होंगे, कई सारे के फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसमें एलजेब्रा इन्वॉल्व है। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एलजेब्रिक फंक्शन। ओके, मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने आपके सामने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? यस। सो
सो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब हमें करना क्या है, हम तो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन क्यों लगता है, जैसे मैं कहूं कि ये तुम्हारे स्टडी आवर्स हैं और ये तुम्हारे नीट में स्कोर है, ओके। अगर तुम पर डे 4 आवर्स पढ़ती हो तो तुम्हारे नीट में स्कोर मान लो आते हैं 320, 5 आवर्स पढ़ती हो तो 470, ओके, 6 आवर पढ़ती हो तो 400, 500, 10, 7 आवर्स पढ़ती हो तो 540, 8 आवर्स पढ़ते हो तो 630, 9 आवर्स पढ़ते हो तो 690 और 10 आवर्स पढ़ते हो तो 710। ठीक है ऋषिका, क्या दिख रहा है कि इनपुट अगर आप बढ़ा रहे हो, स्टडी आवर्स अगर आप बढ़ा रहे हो, तो स्टडी आवर्स बढ़ने से आपके नीट में स्कोर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? स्कोर बढ़ रहा है। तो आपको यहां पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? बट इस बदलाव को देख करके, ये बदलाव आपके सामने दिख तो रहा है, बट मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे तुरंत का बदलाव बताओ कि मैंने अपने पढ़ाई में 1 सेकंड का चेंज किया तो मेरे मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे, क्या बता पाओगे? बता दोगी? अच्छा, 4 घंटे पे 320 मार्क्स आ रहे हैं पढ़ने पर, 5 घंटे पे 470। बेटा ध्यान से देखो, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रहे हैं रैंडमाइजेशन में बीच बीच में। यहाँ पर 50 का गैप है, यहाँ पर 40 का गैप है, यहाँ पर 30 का गैप है, यहाँ पर 90 का गैप है, यहाँ पर 60 का गैप है और यहाँ पर 20 का गैप है। देख रहे हो? हाँ, तो मैं बोलूँगा आपने अगर 1 सेकंड पढ़ा तो आपके मार्क्स कितने चेंज हो जाएंगे, क्या बता सकते हो? नहीं, ये बात कुछ ऐसी हुई कि मैंने आपको कहा कि एक एप्पल खाओ और एप्पल खा करके मुझे तुरंत बताओ कि भाई तुम्हारी हेल्थ में कितना चेंज आया है। एकदम इंस्टेंटली चेंज नहीं बता सकते हो। तो डिफरेंशिएशन यही काम करता है, एकदम इंस्टेंट चेंज आपको बताता है। बोलो, आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन इंस्टेंट चेंज बताता है। जब आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा होता है, ओके, ये मरीज है, ये हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, यहाँ से मरीज का कनेक्शन रहता है इकोकार्डियोग्राफ का, और इकोकार्डियोग्राफ में उसके हार्ट के वाइब्रेशंस आपको दिखाई देते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो ये जो वाइब्रेशन है, ये तुरंत के हैं कि एक दिन पहले के हैं? बिल्कुल सही, तुरंत के हैं। तो क्या हुआ, इसके हार्ट के प्रेशर के डिफरेंस को तुरंत का तुरंत, हार्ट के प्रेशर के डिफरेंस को तुरंत का तुरंत विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर क्या चलता रहता है, घड़ी, टाइम, और ये क्या एक्सेस, ये है प्रेशर की एक्सेस, तुरंत का तुरंत उसका वेरिएशन को दिखा दिया। ये कमाल है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन करता क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी, ओके। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको प्रोवाइड करता है तुरंत का चेंज। अगर आप बोलेंगे dx/dt मीन्स इट विल गिव यू इंस्टेंट चेंज इन एक्स, एक्स मतलब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप बोलोगे ds/dt इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको तुरंत की खबर देगा, तुरंत की एकदम। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटेंसटेनियस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो बेटा जिंदगी में दो प्रकार के रेट ऑफ चेंज होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज कॉल्ड डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? हाँ। दो प्रकार के चेंज होते हैं। पहले हम लोग एवरेज ही निकाल रहे थे, बट हमको जब लगा कि यार इंस्टेंट निकालना है तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, डेल्टा एक्स को हमने बहुत छोटा कर दिया। इस बात को बोलते हैं डेल्टा एक्स को लिमिट करना। तो क्या बोलूँगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है लिमिटिंग केस होता है, कब, जब डेल्टा एक्स सिकुड़ करके जीरो के पास हो जाता है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ये लाइन लिख लो बेटा, ये लाइन आपके कई बार आएगी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता दूं? हाँ, ग्राफ से समझते हैं। एक्स है, ये वाई है। ओके, मान लो एक्स बेटा तुम्हारे रीडिंग आवर्स हैं और वाई तुम्हारे मार्क्स हैं। ये कुछ ऐसे हो रहा है, तुम्हारे रीडिंग आवर्स बढ़ाती जा रही हो, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। बोलो ये सुनो, फर्स्ट स्टार्ट किया था एक्स वन रीडिंग आवर्स पे, फाइनली आ गए थे एक्स टू पे। जब एक्स वन रीडिंग आवर्स थे तो मार्क्स थे वाई वन, और जब एक्स टू रीडिंग आवर्स हो गए तो मार्क्स हो गए वाई टू। पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो बच्चे अब यदि मैं आपको दिखाऊं चेंज इन एक्स कितना है, जो आपको दिख रहा है नीचे ग्रीन कलर से, एक्स टू फाइनल था एक्स वन इनिशियल था, तो चेंज इन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसको फिजिक्स की भाषा में हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। बोलो यस कि नो? ओके। अब हम बात करते हैं चेंज इन वाई कितना हुआ है। तो वाई को देखो, इनिशियल वैल्यू वाई वन थी और फाइनल वैल्यू वाई टू हो गई है, सो चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। बोलो यस कि नो? अगर ये ग्रीन वाला नीचे वाला डेल्टा एक्स है तो ये भी कितना है डेल्टा, क्या डेल्टा एक्स, ये वाला भी जो होगा ये डेल्टा एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये डेल्टा वाई है तो ये भी कितना होगा बेटा? बिल्कुल सही, डेल्टा वाई। ओके, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर हम x में डेल्टा x का चेंज करते हैं तो y में कितने का चेंज आता है? डेल्टा y का। x में डेल्टा x चेंज के लिए y में डेल्टा y चेंज का है, तो x में यूनिट चेंज के लिए y में चेंज आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ में आया? हाँ, x में यूनिट चेंज के लिए y में चेंज आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो ये कहलाता है एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा दायरा है और यहाँ पर मार्क्स तुम्हारे जो बदले हैं वाई वन से लेके वाई टू, एक बड़ा रास्ता देखो है। सो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पक्की बात? चलो अब मैं कहूँ ऋषिका आपसे कि मुझे बताओ कि 3 तारीख को तुम्हारे मार्क्स में कितना चेंज आया था। तुम बोलोगी सर 3 तारीख,
उस तारीख को एकदम से मैं कैसे बता दूं? कोई मेरी गाड़ी का कांटा थोड़ा ना है कि मैं स्पीड बता दूं उस समय देख करके। 3 तारीख मान लो यहां पर थी, इस पॉइंट पर 3 तारीख को। बताओ कितना तुम्हारे उस तारीख में कितना चेंज आया था? तो मैं क्या कहूँगा, एक काम करो, ये जो गैप है X1 से लेके X2 का, इसको यहाँ से श्रिंक करते जाओ, सिकोड़ते जाओ। तो मतलब डेल्टा एक्स जो है कम करते जाओगे तो पहले यहाँ पर एक्स आ जाएगा सिकुड़ करके, बोलो यस और नो। फिर और सिकुड़ जाएगा, फिर एक समय आएगा कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, और जब यहाँ पर आओगे तो डेल्टा एक्स का जो गैप है समेट करके वो गैप किसके पास आ जाएगा? बोलिए, डेल्टा एक्स का जो गैप है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू अरे अरे डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो, गैप जीरो हो रहा है ना, गैप जीरो नहीं हो जाएगा इसको सिकोड़ोगे तो। सो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एंड वेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो किसी पॉइंट पे आके सिमट जाएगा कि नहीं आएगा? तो उस समय वो चेंज इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो आप क्या लिखते हैं कि अगर हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में, सो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? एक बात और बताऊंगा यहां पे बेटा, जब आप वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन पे खेल रहे थे तो आपको रेट ऑफ चेंज कितना मिल रहा था? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और यदि आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ तो ये डेल्टा वाई परपेंडिकुलर है और डेल्टा एक्स बेस है, बोलिए सुनो। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। मतलब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है? टेन थीटा। हाँ, तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो टेन थीटा होता है। किसका स्लोप? कॉर्ड का स्लोप। किसका स्लोप? ये देखो कॉर्ड है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है कि नहीं है? हाँ, एक और बना देता हूँ ग्राफ, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, दिस ये कॉर्ड बन गई। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट, डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बोलो यस कि नो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एवरेज, एवरेज चेंज क्या देता है? स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ऑफ द कॉर्ड, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। मैथ्स में स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। पक्की बात? चलो, अब ग्राफ बना रही हो? ठीक है, बना लो। अब देखो, अब यदि तुम इस गैप को कम करते करते किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो मैंने बोला कि
कि 3 बजे तुम्हारी रेट ऑफ चेंज क्या थी पढ़ने की, तो तुम कहोगे सर ये तो गैप बड़ा सा है, इसको कम करते हुए लाओ। तो गैप छोटा किया, इधर से भी छोटा हो गया, इधर से भी छोटा हुआ, इधर से भी छोटा हुआ, और एग्जैक्टली कम करते करते तुम 3 पे आ गए। मतलब लिमिट किया आपने डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किया, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। इस पॉइंट पर आ गए आप समेटते समेटते। अब जो आप जो कॉर्ड खींच रहे थे, जो नीचे वाइट कलर की खींची हुई है, ये देखो जो नीचे वाइट कलर की कॉर्ड खींची हुई है, जब आप इस गैप को कम करते जाओगे तो कॉर्ड भी छोटी होती जाएगी। ये छोटी हुई और छोटी हुई, और जब इस पॉइंट पे आ जाओगे तो ये इसको टच करके निकलेगी, सो दैट टाइम इट विल बिकम टेंजेंट। यस, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करेगी। सो डिफरेंशिएशन गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉट स्लोप ऑफ द कॉर्ड। डिफरेंशिएशन हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। इसीलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब हम डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो हम एक्स टी ग्राफ का टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया? बहुत गहरी गहरी बातें मैंने पढ़ाई आज आपको। डिफरेंशिएशन पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया कि होता कैसे है, डिफरेंशिएशन करता क्या है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। हार्ट कैसे धड़क रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रेशर का वेरिएशन एग्जैक्टली शो कर दिया, ठीक है। हाँ, डन बन जाएगा ना। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले। समझना कठिन था, अब फॉर्मूले बात की जाए तो बहुत इजी है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, फंक्शन का, वाई का। वाई क्या होता है, वाई होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो आइए देखते हैं कुछ डिफरेंशिएशन। चलिए पहला फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ करते हैं वाई का, तो इधर पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एन का। याद रखेंगे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन को उतारो और एक्स की पावर एक से कम कर दो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पक्की बात? ओके, चलिए एग्जांपल। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बोले तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन यानी कि वन एक्स की पावर वन माइनस वन, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, वन इंटू वन, क्योंकि किसी की पावर जीरो का मतलब वन होता है, आंसर वन। तो डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन। इसको रटा भी जा सकता है, ऊपर भी डी एक्स नीचे भी डी एक्स, लॉजिक बन गया डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, बोले वन हो गया। बट होता ऐसा नहीं है, लॉजिक है। समझ में आया? हाँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन टू है, एक्स की पावर टू माइनस वन, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, टू में से वन गए, वन हो गया, आंसर टू एक्स हो गया। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर फाइव ले लेता हूँ, एन एक्स की पावर 5 माइनस वन, 5x की पावर 4। बिल्कुल सही। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ओ सर ये क्या हो गया, इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, नेगेटिव पावर आ गया। सो फॉर्मूला लगेगा इसमें, n कितना है, माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब n x की पावर माइनस टू, वन माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू। क्लियर हुआ? इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू, ठीक है बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स,
ये क्या है सर? ये है x की पावर 1/2, 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे? n x की पावर n माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1/2, सो इट विल बिकम 1/2 इंटू वन एक्स की पावर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 एंड योर फाइनल आंसर विल बी 1/2 रूट एक्स. डन? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स, ये क्या है? एक्स रूट एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 है और रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, बेस सेम तो पावर एड हो जाएगी, 1+1/2 बोले तो 3/2, सो एक्स की पावर 3/2 हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला एन यानी 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, सो 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 गया, कितना हो गया? 1/2. आंसर 3/2 रूट एक्स. पक्की बात? क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है एक्स की पावर एन का. सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन है लॉग एक्स, आंसर 1/x. लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x. इसी को बच्चे लॉग एक्स को मैंने बताया था ln x भी लिखा जाता है, जिसका बेस e होता है, इक्वल टू कितना? 1/x. क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला, डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आंसर नो चेंज, e की पावर x ही होगा. नेक्स्ट कंसेप्ट, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन x, आंसर साइन x का cos x. टी वाई डी एक्स ऑफ cos x, आंसर cos x का माइनस साइन x. डी वाई डी एक्स ऑफ tan x, आंसर tan x का sec square x. ठीक है? सो ये आपके डिफरेंशिएशंस लिखे हुए हैं. एक सेकेंड. यस, ये फॉर्मूले हैं. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट बदलता नहीं है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट है, आंसर कितना होगा? जीरो. चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद फंक्शन, क्या रूल होता है? कांस्टेंट को बाहर लाओ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, के बाहर लाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. ठीक है? चलो एक क्वेश्चन हो जाए. क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 5. आपको निकालना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. चलो, ले लिया डी बाई डी एक्स, लगा दिया y के ऊपर, तो लेफ्ट में बन गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स. इधर भी लगाया डी बाई डी एक्स, 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 5. चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि चार फंक्शन है प्लस में, सारे फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. डी वाई बाई डी एक्स आपका भी होगा, डी वाई डी एक्स इनका भी होगा, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का भी होगा, डी वाई डी एक्स 5 का भी होगा. चलिए, 3 है फंक्शन है, 3 सम्मान के साथ बाहर ले आइए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, 7 बाहर ले आइए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे 1/x, और 5 अकेला है कांस्टेंट का, हो गया 0. 3 4 का x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाया था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 4x की पावर 4 माइनस 1 बोले तो 4x की पावर 3. 7 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका तो 1/x हो ही चुका है, 0 को कोई लिखता नहीं है. सो 3 4 जा 12x क्यूब, 7 2 जा 14x प्लस 1/x, ये इसका आंसर है. क्लियर? सो इन दिस वे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो.
कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एन एक्स एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट अगर होगा फंक्शन के साथ तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अलग अलग फंक्शन अगर प्लस माइनस में है तो उनको अलग अलग प्लस माइनस वन करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी के फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन के, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक एक्स का माइनस कॉस एक एक्स कॉट एक्स, डन। चलिए एक और रूल बनता है इसमें, डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लीकेशन रूल, उसको भी मैं बता देता हूँ कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे करेंगे। पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे करते हैं, बट मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, कि दो फंक्शन है एफ वन एक्स एफ टू एक्स, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपने डी बाई डी एक्स लिया, इधर भी डी बाई डी एक्स लग गया, किसके ऊपर, दो फंक्शन के ऊपर एफ वन एक्स एफ टू एक्स। चलिए कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर बिठा दीजिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसकी बारी हो गई। अब दूसरे वाले को बाहर बैठा दो और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, सो सिंपल आंसर आ गया, बस ऐसा कर देंगे। ये है रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, हमको पता है फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आज ही पढ़ाया था, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले आइए, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए लगाते हैं रूल, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, सेकेंड फंक्शन को बाहर कर दो और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलिए टू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है बेटा, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। चलिए डिफरेंशिएट कर दिया है, टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर टू, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स को आगे साइन स्क्वायर एक्स को पीछे, आज फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स, तो टू कॉस टू एक्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो दो फंक्शन मल्टीप्लाई करने हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, ठीक है। लास्ट रूल है डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल देखते हैं कि डिवीजन रूल में कैसे करते हैं। तो डिवीजन रूल में क्या है कि जैसे आपने डी बाई डी एक्स किया दो फंक्शन का, वो भी डिवाइड में है, पहला फंक्शन एफ वन एक्स दूसरा फंक्शन एफ टू एक्स, तो इसमें ये इमेजिन करिए कि ऊपर से कोई फल गिर रहा है और छत पे खड़ा है एफ वन और नीचे खड़ा है एफ टू, तो पहले फल किसको मिलेगा, एफ वन को, तो एफ टू को बाहर बैठा दीजिए और फल खिला दीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ वन एक्स का। अब एफ वन ने खा लिया तो फल कुछ कम हो गया, तो कम के लिए लगाइए माइनस, अब एफ वन को बाहर बैठा दीजिए और डी बाई डी एक्स करिए किसका, एफ टू का, बस, और नीचे लगाना है आपको एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये जो फंक्शन नीचे है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, चलिए हम देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा। तो जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो फिर कैसे सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये सुनो,
कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सब लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो आंसर हो गया सेक स्क्वायर एस। इस प्रकार से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। पक्की बात। चलिए, तो ये डिवीज़न वाले क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। कल आपको डिवीज़न की शीट, मल्टीप्लिकेशन की शीट, ये वाली शीट, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एक मैंने डिफरेंशिएशन की शीट भेज रखी है, ओके, तो वो पूरी की पूरी शीट आपको करके लेके आना है। मैं कहेंगे तो टैग कर दूंगा, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अभी टैग कर देता हूँ, देर किस बात की। बेसिक लेवल डिफरेंशिएशन, ये देखो मिल गई शीट। हाँ, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके सारे क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। कल हम पढ़ेंगे, कल मतलब परसों, लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, ठीक है ना।